हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्विफ्ट को चाहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, स्विफ्ट का फेसलिफ्ट वेरिएंट आ चुका है मार्केट के अंदर, जो कि भाई पहले से ज़्यादा काफ़ी अट्रैक्टिव सा जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वेरिएंट सामने आप देख रहे हैं, ये है इसका VXI वेरिएंट। डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले बात करें प्राइसिंग की, VXI वेरिएंट है 752X शोरूम में, वहीं 845,000 रुपये ऑन रोड है राजस्थान के अंदर। डिपेंड कर रहा है आप इस गाड़ी को किस स्टेट से बाई कर रहे हैं, जो प्राइस वो जो है वेरी हो जाते हैं। सबसे पहले आप चेक करो गाड़ी का लुक, तो भाई डेफिनेटली लुक पहले से ज़्यादा बेटर हो गया गाड़ी का। इस गाड़ी का लुक भाई पहले भी काफ़ी गजब का आता था, लेकिन इस लुक की वजह से भाई और भी ज़्यादा स्पोर्टी सी फील होती है नई वाली स्विफ्ट। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी के ग्रिल के बारे में। जो ग्रिल है इसको भाई कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, और इस ग्रिल की वजह से गाड़ी का जो विड्थ है ना भाई, वो ज़्यादा मुझे फील हो रही है। हालांकि विड्थ पहले की जैसे सेम है 1735 mm की, लेकिन भाई गाड़ी और भी ज़्यादा प्यारी लगने लग गई है सामने से। सुजुकी का लोगो मिल जाता है। वहीं बात करें हेडलैम्प के बारे में, तो भाई यहाँ पर जो हेडलैम्प है वो आपको मिलेगा प्रोजेक्टर फॉर्म में, बाकी यहाँ पर आपको मिलेगा इंडिकेटर। ठीक है, अगर इसका आप ZXI वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा DRL, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगी क्रोम की फिनिशिंग, कोई भी फॉग लैंप इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। जो गाड़ी की ग्रिल ना भाई, ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है इस ग्रिल की वजह से, बाकी आप देख सकते हैं सामने की विड्थ। आगे से गाड़ी भाई बहुत ही प्यारी लगती है दिखने में। ठीक है, साइड लुक की बात कर लेते हैं, तो ये है गाड़ी का ओवरऑल साइड लुक। पहले के जैसे साइड लुक आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन जो गाड़ी की लेंथ है भाई, वो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। लगभग 3850 mm की जो है गाड़ी में आपको विड्थ मिल जाती है, 2450 mm का गाड़ी में व्हील बेस मिलता है, और भाई 163 mm का गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी नीचे है। अनइवन रोड पर जो है आप इस गाड़ी को लेकर जाओगे तो भाई वहाँ पर टच हो सकती है गाड़ी। यही इस गाड़ी का थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक पॉइंट लगता है। ठीक है, बात कर रहे थे गाड़ी के टायर सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार के टायर। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 14 इंच के टायर, 165/80R14 ब्लैक कलर में जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिम आगे डिस्क ब्रेक है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, इनके साथ में व्हील कवर भी आ जाते हैं। वहीं जो ORVM है ये बॉडी कलर्ड मिलेगा, इंडिकेटर्स के ऊपर आपको मिल जाता है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, फेंडर लाइन से स्टार्ट होती है एक लाइन, और भाई पीछे तक ये लाइन मिलती है, जो कि गाड़ी के साइड लुक को और भी ज़्यादा बेटर बना देती है पहले से ज़्यादा। डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर मिल जाएंगे, बी पिलर ब्लैकआउट, सी पिलर जो है आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे। ये है गाड़ी का कम्प्लीटली रियर लुक। रियर से भी भाई गाड़ी काफ़ी प्यारी कर दी है मारुति ने। ये देखो जो DRL है ये आपको LED में मिलेंगे, ऑन होने के बाद भाई काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनके अंदर जो है आपको ब्लैक एलिमेंट मिलेगा, जो कि DRL की खूबसूरती को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। डीफोकर यहाँ पे आ जाता है, छोटा सा स्पॉइलर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे मिल जाता है, नॉर्मल एंटीना मिलेगा। पीछे आपको स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्विफ्ट। ठीक है, 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर के, नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। अच्छी लग रही है भाई रियर से भी। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको अनलॉक करना पड़ेगा उसको पहले। ये देखो भाई, पहले के जैसे 265 लीटर का डीप बूट स्पेस मिल जाएगा, काफ़ी लगेज यहाँ पे आ जाता है। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में आपको मिलेगी, वहीं प्रॉपर कवरिंग यहाँ पे दे दी गई है, वहीं यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा। बूट स्पेस के नीचे आपको मिलेगा टायर सेक्शन, जो कि आपको फुल साइज़ के साथ मिल जाता है, कोई भी लैंप इस वेरियंट में आपको नहीं मिलने वाला। गाड़ी में आपको लगभग 37 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, और भाई ये कहानी है पीछे से, अच्छी लग रही है भाई गाड़ी पीछे से दिखने में, है ना, पहले से बेटर कर दिया एक्सटीरियर में। काफ़ी छोटे छोटे एलिमेंट हैं जिनको बदल दिया है, जिनसे भाई गाड़ी की खूबसूरती निखर के आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर पार्ट की तरफ, तो ये है इंटीरियर। पहले के जैसे फुली ब्लैक यहाँ पे इंटीरियर मिलेगा, जो कि दिखने में काफ़ी प्यारा लुक दे रहे हैं गाड़ी को। डोर ओपनिंग वाइड है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा पूरा सॉफ्ट टच का यूज, ये वाला पैनल आपको मिलेगा सॉफ्ट टच के साथ, बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक है। गाड़ी में आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, बाकी यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडो के बटन्स मिल जाएंगे, यहाँ से ORVM एडजस्ट कर सकते हो। ये है ग्रैब हैंडल, जो कि आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलेगा। बोतल होल्डर, सीट की बात कर लेते हैं, एज यूजुअल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है, हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता पहले के जैसे, लेकिन हाँ सीट काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। आगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, सेफ्टी फीचर की बात करें, ABS विद ABD, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ABC पैडल, नीचे आपको डैड पैडल मिलेगा। तो ये हो गया ओवरऑल इंटीरियर। एक इंटीरियर है ना, पूरी एक फ्रेश लुक के साथ यहाँ पे मिलेगा, जो कि दिखने में अंदर से गाड़ी को काफ़ी बढ़िया लुक दे रहे हैं। देर ना करते हुए बैठते हैं अंदर और आपको दिखा देता हूँ ओवरऑल इंटीरियर। धूप भाई बहुत ज़्यादा है, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इस मेहनत के लिए एक कमेंट तो आप ज़रूर मार सकते हो। इसको कर लेते हैं बंद, AC करते हैं स्टार्ट। ये देखो भाई, बताऊंगा काफ़ी सारे फीचर बदल दिए हैं भाई गाड़ी में। इसको करते हैं ऐसे, चलो भाई। देखिए गाड़ी के अंदर आपको
थ्री सिलेंडर इंजन जो है अब आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कोई भी नॉइज वाइब्रेशन मुझे अंदर फील नहीं हो रही है। एक मिथ था कि भाई गाड़ी में थ्री सिलेंडर इंजन दिया है तो भाई कोई वाइब्रेशन नॉइज गाड़ी में आएगी नहीं आएगी, लेकिन हाँ मुझे कोई भी ऐसी नॉइज अंदर फील नहीं हो रही है। स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल जाता है। एडजस्टमेंट भी यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको टिल्ट फंक्शन के साथ मिलेगा और टेलीस्कोपिक इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आ जाते हैं, वहीं नीचे आपको सारे टेलीफोनिक बटन्स मिल जाएंगे। स्टीयरिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पहले वाली है ना, और जो स्टॉक से ये आपको मैनुअल मिलेंगे। ठीक है, ये है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि फुली एनालॉग है, काफ़ी बदल दिया है। एक फ्रेश लुक के साथ आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, बीच में MID मिलेगी जिस पर आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, फ्यूल है, ट्रिप है, ट्रिप भी नॉर्मल से फीचर यहाँ पे आपको मिलेंगे। लेकिन जो निडल्स हैं वो बदल दी है, एक अच्छा लुक दे रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये गाड़ी का सेंट्रल कंसोल, ड्राइवर ओरिएंटेड जो है आपको सेंट्रल कंसोल मिलेगा जो कि ड्राइवर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि उसके रीच के साथ है सारा एरिया। ठीक है, सामने आपको मिल जाएगा 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले वाला जो कि मारुति की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में मिलेगा। इसमें आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, है ना। गाड़ी में आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, वहीं वायरलेसली आप गाड़ी में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर को प्ले कर पाएंगे। ऑटोमेटिक एसी आ जाता है, पहले नहीं था लेकिन अब VXI में ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलेगा, वही ब्रेनो वाला है लेकिन ये ब्लैक कलर में दिया है, काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है एसी। ठीक है, एसी कूलिंग डेफिनेटली काफ़ी बेटर होने वाली है। नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा, USB पोर्ट मिल जाता है लेकिन टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता, 2 का होल्डर मिल जाता है। ये है गाड़ी का ग्लव बॉक्स, पहले के जैसा छोटा सा है, बाकी सारा जो पार्ट है ये हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलेगा। लेकिन जो ये वाला एरिया है ना भाई, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ड्राइवर ओरिएंटेड जो है आपको जो डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो भाई गाड़ी में अब आपको 4 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले नहीं थे, तो जो सेफ्टी है उसको भाई यहाँ पे एनहांस कर दिया है। ये है गाड़ी का IRV है, मैनुअल है, ये है लैंप और भाई यहाँ पे मिलेगा आपको वैनिटी मिरर। सीट की बात करें, डेफिनेटली सीट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, अंडर थाई सपोर्ट इन सीट पे आपको प्रॉपर मिलने वाला है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कोई भी आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलता। यह है गाड़ी का हैंड ब्रेक, तो ऐसी कुछ कहानी मिलती है। अंदर से काफ़ी बढ़िया लुक दे रही है भाई, वैसे तो अंदर से पहले के कंपेयर में। ठीक है, बंद कर लेते हैं, पीछे वाली सीट पे आपको जाके दिखा देते हैं। तो भाई ये है ओवरऑल गाड़ी की सेकेंड रो। ठीक है, डोर ओपनिंग ज़्यादा वाइड तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक वाइड है, आराम से एंट्री हो सकती है। यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा हार्ड प्लास्टिक और विंडो का बटन, एक बोतल आएगी जो कि भाई 1 लीटर की आ सकती है, 2 लीटर की यहाँ पे नहीं आएगी। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सीट की बात करें तो भाई एज यूजुअल फैब्रिक का पोल्स यहाँ पे दी गई है। सीट की क्वालिटी पहले की जैसी है, बैठने में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सा फील होने वाला है। बीच में हम पे इसलिए भाई 2 बंदे ही कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, 3 बंदे बैठेंगे तो भाई वहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। ठीक है, जो गाड़ी की हाइट है भाई उसको पहले से थोड़ी सी कम की गई है, ये मुझे फील हो रहा है। और हाँ भाई, पहले से कम ही है गाड़ी की हाइट, तो भाई यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, हालांकि जो गाड़ी की लेंथ है उसको इंक्रीज कर दिया पहले से, है ना। सेफ्टी फीचर की बात करूँ तो ABS विद EBD ट्रैक्शन कंट्रोल, वहीं गाड़ी में अब आपको 4 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं जो कि गाड़ी की सेफ्टी को बढ़ा देते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन पार्ट की तरफ, आपको इंजन भी दिखा देते हैं। इंजन बेक ओपन करने के लिए यहाँ पे मिलेगा आपको लीवर, इजीली जो है बोनेट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये है भाई मारुति स्विफ्ट का न्यू इंजन। ये देखो भाई, यहाँ पे अब आपको मिलने वाला है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। पहले आता था 4 सिलेंडर लेकिन अब यहाँ पे आपको मिलने वाला है 3 सिलेंडर के साथ। बात करूँ पावर की तो 80 BHP और लगभग 110 Nm का टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाला इंजन। माइलेज की बात करूँ तो भाई जो माइलेज है वो पहले से ज़्यादा आपको इंजन देने वाला है, लगभग 24.8 की माइलेज कंपनी क्लेम करती इस इंजन के साथ। बाकी प्रॉपर इंसुलेशन यहाँ पे मिलेगी, मैंने गाड़ी को ऑन करके भी देखा, स्टार्ट करके भी देखा, लेकिन भाई गाड़ी में कोई भी वाइब्रेशन नॉइज मुझे फील नहीं हो रही है। आपको कैसा लगा इंजन का अपडेट, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हालांकि जो इंजन है मारुति बोल रही है पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है, ये कितना ठीक होगा वो तो भाई जब रोड पर आएंगी गाड़ियाँ वही तभी मालूम चलेगा कि कितना क्या परफॉर्मेंस ये इंजन निकाल के देने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, कैसी लगी गाड़ी मुझे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।